मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में किसान कानूनों के विरोध में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर ने फूलबाग चौराहे पर धरना दिया है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित तीन कृषि कानून एवं बिजली बिल संशोधन 2020 के विरोध में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने अखिल भारतीय प्रतिपाद दिवस का आह्वान किया है। इस अवसर पर ग्वालियर इकाई द्वारा फूलबाग चौराहे पर धरने का आयोजन किया गया। आंदोलन को नेतृत्व दे रही AIKKMS के प्रदेश सचिव रचना अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को भारत करने के पीछे मंशा स्पष्ट है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 1951 में भूमंडलीकरण, उदारीकरण व निजीकरण की नीतियों को लागू किया गया था, लेकिन कृषि के क्षेत्र में इन नीतियों के जरिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रवेश नहीं कर पा सकी थी। इसलिए कृषि क्षेत्र में इन कंपनियों की घुसपैठ बनाने के लिए केंद्र सरकार यह तीनों कानून लेकर आई है। किस तरह का आज आंदोलन हो रखा है आपने जन मोतीबल में? जो केंद्र सरकार ने तीन किसान विरोधी कानून जो पास किए हैं, आज पूरे देश में उसका विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ग्वालियर में इसका विरोध किया गया था। अभी हम 12 बजे फूलबाग पर एकत्रित होकर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में विभिन्न संगठन, जनता कार्य पार्टी और अन्य संगठन इकट्ठा होकर चक्का जाम किया 1 घंटे का, और वहाँ से कमिश्नर तक आकर ज्ञापन दिया है। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है कि हमारे किसानों के साथ में अन्याय को नहीं रोका गया। तो आज हमारी मीटिंग भी है अन्य संगठनों के साथ में। 5 तारीख को हम ग्वालियर में बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें किसी भी कीमत पर किसी भी वाहन को कहीं से निकलने नहीं देंगे, और ग्वालियर में कई जगह चक्का जाम होंगे। हमारा विरोध और तेज़ होगा नरेंद्र मोदी के इशारे पर। प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है, लेकिन किसान हर क्षेत्र में है और हर वर्ग में है। किसानों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इसके लिए किसानों की मांग जो वाजिब है उसको मनवाने के लिए अगर हमें नौजवानों को खून भी बहाना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। NRC का मुद्दा नहीं है जो एक पक्ष को दबाकर उनको नेस्तनाबूत कर दिया गया। ये किसान का मामला है और किसान सर्वहारा वर्ग में पाया जाता है और पूरे देश की आवाज़ है। ये मोदी अब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, प्रदेश सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। ये हम ग्वालियर की आवाज़ बनकर किसानों के साथ में हैं। जो नरेंद्र मोदी जी बिल पास कर रहे हैं, जो कह रहे हैं किसानों के हित में बिल पास है, सही है, उसका आप क्या मानते हो उसको? नहीं, किसानों के हित में बिल पास नहीं है। जैसा कि हमारे नेताजी ने बताया कि भंडारण जो एक निश्चित सीमा तक था उसको भंडारण को छूट दे दी गई है। आज उद्योगपति किसान की जैसी फसल बाजार में आएगी पूरी की पूरी खरीद लेंगे और ऐसे समय पर उसको किसानों फिर आम जनता के बीच में एक रेट तय करके भेजेंगे जिसको वो आम जनता उपयोग में ही नहीं ले सकती। अगर उसकी निश्चित सीमा हो तो किसान की फसल का भी उपयुक्त दाम मिलेगा। ऐसे 2-3 बिल हैं जो किसान विरोधी हैं। प्राइवेटकरण किया जा रहा है मंडियों का। प्राइवेट अगर अंडारियों और अंबानी को ठेके पे दे दी गई मंडी, तो सरकारी मंडियों जहाँ पर किसान अपनी आड़त देकर 2% 1% कमीशन देकर अपने फसल के दाम प्राप्त कर लेता है, उस पर भी रोक लग जाएगी। यानी कि प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। जो तीनों बिलों में वही मसूबा है कि इसको भी एक उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दिया जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। आपका क्या नाम है और किसके नेतृत्व में आप आए? मैं सुखग्रीव सिंह कुशवाहा मेरा नाम है। मैं जन अधिकार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ जो घटक दल है हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और विभिन्न दल, उनके संयुक्त मोर्चा और जन मोर्चा भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ में हम इधर आंदोलन के लिए एकत्रित हुए हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।